हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माय विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है रूट केनाल ट्रीटमेंट माय क्लिनिकल वर्क। तो मैं आज आप लोगों को रूट केनाल ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा और कैसी प्रोसीजर होती है तो वो आपको सब पता चलेगी। आज मैंने पोल ही डाला था कि 4-5 ऑप्शन दिए थे वीडियो के लिए और आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा लोगों ने रूट केनाल ट्रीटमेंट को चूज़ किया था। तो बस अब आपके सामने है वीडियो तैयार। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए, आप जिस दांत में गड्ढा देख रहे हैं यही दांत है, इसको सेकेंड प्रीमोलर बोलते हैं और इसी में हम करने वाले हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट। तो अभी मैं फाइल डालूंगा। एक्चुअली मैं रूट केनाल के लिए, देखिए जो सुई जैसे दिख रही है इसको फाइल बोलते हैं, जिससे लोग घबराते हैं, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अब ये डाल के हम चेक करेंगे कि हमको कितने अंदर तक पूरा क्लीन करना रहता है, जिसके लिए मदद ली जाती है एक्सरे की या तो फिर सेंसर की। तो अभी हम सेंसर लगा के देखेंगे और चेक करेंगे कि हमको अंदर कितना क्लीन करना है। रूट केनाल में यही रूट्स को क्लीन की जाती है, तो कितना अंदर तक जाके क्लीन करना है वो चीज़ हमको इससे पता चलता है। तो ये जो मशीन है आप देख रहे हैं, ये मशीन से हम कर रहे हैं चेक। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। सो गाइस, चेक करने के बाद हम इसको मेज़रमेंट करेंगे और जितना हमको चाहिए, ये एक्यूरेसी आ चुकी है। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं कितना अंदर डिस्टेंस है, कितना लेंथ है उसकी। तो ये मैंने चेक कर लिया है और ये एक्यूरेसी के साथ चेक हो गई है। अब दूसरे केनाल में, मतलब दूसरे जो नस का रास्ता है उसमें डालेंगे, क्योंकि इस दांत में दो रास्ते हैं केनाल के, जो जड़ों के अंदर दो नसें हैं। तो ये देखिए, हम इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ये एकदम परफेक्ट आ चुका है और इतने में हम इसको भी मेज़र कर लेंगे। तो इससे भी हम इसकी भी लेंथ मेज़र कर लेते हैं और ये मेज़र हो चुका है प्रॉपर नोट, ठीक है। तो ये है करीबन 18 mm। और अब हम इसको रोटरी फाइल्स, ये देखिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं एंडोमोटर, और ये जो है अंदर क्लीन करने का प्रोसीजर करती है। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है और एक हिसाब से कुछ मैनुअल भी करते हैं, मैनुअल यूज़ भी करते हैं, मतलब बिना ऑटोमेटिक मशीन से भी किया जाता है। और ये ऑटोमेटिक मशीन होती है जिससे रूट केनाल किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो है अंदर जाके हम जितना जाना है, हमको 18 mm करीबन जाना है अंदर, उतना हम जा रहे हैं अंदर पूरा क्लीन कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा, तो बिल्कुल, ये अभी उसकी दूसरी विज़िट है। पहली विज़िट में जस्ट मैंने ओपन किया था और क्लीन करा था, सेकेंड विज़िट में पेन बहुत, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेन कम हो जाता है तो एनेस्थीशिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो हम कर रहे हैं, अभी इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, हम क्लीन कर रहे हैं अंदर, जहाँ पे हमने नसों को साफ़ किया था, जिस जगह पे अंदर पे हम वहाँ डाल के, उस कैनाल्स में डाल के उसको क्लीन कर रहे हैं। तो इसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं, देख लीजिए कितना स्मूथ हो रहा है। पेशेंट को एनेस्थीशिया भी नहीं दिया गया है और पेशेंट में आप देख लें एक्सप्रेशन, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो अब घबराइए मत, ये डरिए मत सुई से। देखिए मैं और क्लीन कर रहा हूँ, अभी इसको प्रिपेयर करना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो अब मैं क्लीन करने के बाद की प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको आगे की प्रोसीजर थोड़ा स्पीड में दिखा रहा हूँ, क्योंकि तो पूरा वीडियो अगर रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो अब बस ये फिनिश होने वाला है क्लीनिंग की प्रोसीजर, है ना। अभी ये क्या है, हम जो मशीन चला रहे हैं, जो आप सुई जैसे देख रहे हैं, ये चेंज कर करके क्लीन करना पड़ता है और कई बार क्लीन करना पड़ता है, जिससे अंदर पे कोई भी इन्फेक्शन और कोई भी गंदगी ना रहे। और ये करीबन प्रोसीजर अब ख़त्म हो गई है, अब मैं आगे की प्रोसीजर करूँगा नस डालने की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले हम दांत को क्लीन करते हैं और ये क्लीनिंग बार बार की जाती है, साफ़ करते करते बार बार क्लीनिंग की जाती है, जिसको इरिगेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और दोस्त अगर नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, जस्ट आप देखिए काम, मेन चीज़ है कि आपको रूट केनाल कैसे होता है, ये चीज़ आपको बताना है। जो नॉर्मल आदमी है उसको मेडिकल लैंग्वेज तो पता नहीं चलेगी, लेकिन बस ये चीज़ है कि प्रोसीजर कैसे होती है, जिससे आपको नॉलेज रहे और आपको घबराहट ना हो इस ट्रीटमेंट में, कि ऐसा कुछ तकलीफदायक ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो ये देखिए अंदर हमने पूरा क्लीन करा है, मैं मिरर में दिखा रहा हूँ आपको, और मैं अंदर अभी इसको क्लीन करूँगा, इरिगेट करूँगा, ये देखिए। तो इस तरह से बार बार क्लीनिंग करने से सब गंदगी बाहर आ जाती है और जो भी इन्फेक्शन था दांत में, जिसकी वजह से दर्द हो रहा था, वो सब बाहर आ जाता है, तो दांत का दर्द ख़त्म
हो जाता है, हम परमानेंट ख़त्म कर दिया जाता है। और इसकी जगह पे अभी हम अब नस डालेंगे जो आर्टिफिशियल नसें होंगी, जिसको मेडिकल टर्म में गट्टा पर्चा बोलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पे पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और अभी अंटी में हम कॉटन रोल ये डाल रहे हैं कि पानी ना लगे। जब भी नस डालना रहता है उस समय डॉक्टर आपको ज़रूर बोलेगा कि मुंह खुला रखना, बंद मत करना, क्योंकि ये हमको पूरा क्लीन चाहिए, एकदम सूखा चाहिए। तो अभी मैं पूरा इसको आइसोलेट कर रहा हूँ और डायरेक्ट अब आपको नस डालने का प्रोसीजर बताता हूँ। ये आइसोलेट करने का डायरेक्ट मैं नस डालूँगा, तो वो देखिए। सो दोस्तों, अभी तैयार है एंड प्रोसीजर के लिए। एंड प्रोसीजर जो हो रही है, इसको हम नस जो मैं बताया था, जिसको गट्टा पर्चा बोलते हैं और आर्टिफिशियल नसें हैं, जो आप नॉर्मल भाषा में समझने के लिए, इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ। ये दोनों कैनाल में डालूँगा मैं, मतलब दोनों नसों के रास्ते में डालूँगा। ये पहले में डाला हूँ और उतने में डालूँगा जितना हमने मेज़रमेंट किया था और जितनी की क्लीनिंग करी है, उतना पूरा हम डालेंगे। तो ये डाल दिए हैं, इसको कट कर देते हैं, हटा देते हैं और अभी मैं दूसरा भी डाल देता हूँ। गाइस, ये देखिए दूसरी नस भी डाल रहा हूँ मैं, है ना। होप सो मेहनत मेरी पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक अगर अभी तक आप ध्यान नहीं आ रहा है चैनल सब्सक्राइब करने का, तो ये कर लो यार, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और लाइक करो, शेयर करो यार, तो अच्छा लगता है, महसूस अच्छा होता है और इंकरेज मिलता है। तो ये देखिए, अभी मैं दूसरा नस भी डाल दिया हूँ और इसको भी कट कर देते हैं और अब ये नसों को अंदर पूरा सील कर देंगे। तो जो सील कर रहे हैं, सील करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको गर्म करते हैं और नसों को पूरा अंदर दबा दिया जाता है। ये गर्म गर्म इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी मत डरो, कोई आपको सेंसेशन नहीं होगा, दर्द तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। और ये एक रिज़ल्ट है जब रूट कैनाल के बाद आपको मिलता है, मतलब अब आपके दांतों में सेंसेशन नहीं रहेगा। बहुत लोग का ये कहना रहता है कि रूट कैनाल के सेंसेशन हो रहा है, पानी ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो दांतों में नहीं होता। आप खुद देख सकते हैं आँखों से अपने, मैं गर्म कर रहा हूँ, कितना हाई गर्म हो रहा है वो, और मैं अब दांत के अंदर डायरेक्ट डाल रहा हूँ बिना एनेस्थीसिया के। तो पेशेंट देखो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन दे रहा है पेशेंट, कोई तकलीफ ही नहीं है पेशेंट को। तो ये आप बिल्कुल मत घबराओ। और अगर रूट कैनाल के बाद भी आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो इसका मतलब है आजू बाजू का दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो गाइस, ये हो चुका है कंप्लीट ट्रीटमेंट, अभी नसें अंदर डल गई है और मैं अंदर अब दांत के ऊपर एक टेम्पोररी सीमेंटेशन कर रहा हूँ, जो अब इसके बाद नेक्स्ट विजिट रहेगा उसमें आपका फीलिंग चेंज किया जाएगा और उसके बाद आपको कैपिंग का मेज़रमेंट लिया जाएगा। तो गाइस, ये ख़त्म हो चुकी है रूट कैनाल प्रोसीजर और सक्सेसफुली हमने ट्रीटमेंट कर दिया है कंप्लीट। सो गाइस, ये है रूट कैनाल होने के बाद की फ़ोटो, जिसमें आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रही है, ये नसें हैं जो अंदर हमने डाली है। और ये देखिए पूरा नीचे तक है, ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट को दिखाता है। सो ट्रीटमेंट फिनिश हो चुका है गाइस। बड़ी कोई तकलीफ आपको, पेन हुआ ट्रीटमेंट के दौरान? बढ़िया होगा है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका फिनिश हो गया, मैं थोड़ा फिनिशिंग कर देता हूँ। सो गाइस, ट्रीटमेंट फिनिश हो गया रूट कैनाल का, अब आगे हम कैप का प्रोसीजर करेंगे। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ, रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।